हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक ऑफ 5 बताने जा रही हूँ। अब मल्टीप्लाई कितनी भी बड़ी डिजिट हो, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से तो हम क्विक कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो आपको दोस्तों ये तो पता है इवन नंबर क्या है और ओड नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं मैंने यहाँ पर राइट डाउन भी किया है, आप देखिए। इवन नंबर है अगर डिजिट के बाद में एंड में क्या हो, 0, 2, 4, 8 होते आता है तो वो इवन नंबर होता है। ठीक है, अगर हमारा कोई भी इवन नंबर है उसको 5 से इंटू करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो ये मैंने यहाँ पे कुछ सम्स राइट डाउन किए हैं, ये मेरे इवन नंबर है या ओड नंबर है। अब देखो, डिजिट के बाद में देखो, आप लास्ट में 8 है, दैट मीन्स ये मेरा इवन नंबर है। यहाँ पर डिजिट के बाद में देखो, यहाँ पे 2 है, ये मेरा इवन नंबर है। थर्ड क्वेश्चन में देखो, लास्ट में 6 है, दैट मीन्स ये भी मेरा इवन नंबर है। फोर्थ में देखो, लास्ट में 0 है, दैट मीन्स ये भी मेरा इवन नंबर है। अब इवन नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, ठीक है, अगर हमें इवन नंबर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे? देखो, बहुत सिंपल है, हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल, 2 से डिवाइड करना बहुत ईजी होता है। 2 से अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 2 2 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो नो रिमाइंडर। नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी, 5। अगेन 2 2 4, बिकॉज 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता है। अब 5 में से हम 4 माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 1 1, हम यहाँ पर रिमाइंडर नेक्स्ट डिजिट से पहले लिख देंगे तो वो 16 हो गया। अब 2 8 16, नेक्स्ट 16 में से 16 माइनस करेंगे तो नो रिमाइंडर। नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी, 7। अब 2 के टेबल में 7 नहीं आता, बट लेस देन 2 3 6। अब 7 में से 6 माइनस करेंगे, 1 1 8 से पहले रिमाइंडर हम राइट डाउन करेंगे, 2 9 8। अब ये हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस लास्ट में एक 0 ऐड कर दो, बस ये हमारा आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फिर से मैं समझा रही हूँ, ध्यान से समझना, जो भी हमारा इवन नंबर है अगर हम उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 2 8 3 9, और लास्ट में जो भी आंसर आएगा, लास्ट में 0 ऐड कर दो, वही हमारा 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डिजिट, अभी सेकेंड डिजिट क्या है हमारी, 4 7 8 4 6 7 2, इसको हमें 5 से इंटू करना है। देन व्हाट विल डू, इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या होगा, 2 2 4, 2 3 6, 6 1 रिमाइंडर, 2 3 6, यहाँ पर 3 राइट डाउन करो, 1 रिमाइंडर 18, 2 9 18, नो रिमाइंडर। नेक्स्ट डिजिट 4, 2 2 4, 2 3 6, नो रिमाइंडर, 2 3 6, अगेन 7 में से 6 माइनस करोगे, 1 बचेगा, 1 क्या हो गया, 2 6 12। अब हमारा नेक्स्ट क्या आ गया, 2 आंसर क्या आया, जब हमने 4 7 8 4 6 7 2 को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 2 3 9 2 3 3 6। अब ये हमारा आंसर आ गया तो दैट मीन्स यहाँ पर बस एक 0 ऐड कर दो, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कितना इजी है, 2 से डिवाइड करना तो बहुत इजी होता है, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट डिजिट हमारा क्या है, 9 4 8 5 6, 6 है लास्ट में, दैट मींस ये भी हमारा इवन नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करो, 2 4 8, 1 बचेगा, 1 ऊपर कैरी ओवर कर दो, 4 से पहले लिख दो, 2 7 14, 2 4 8, 2 2 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे, 1 1 रिमाइंडर, 6 से पहले राइट डाउन कर दो, 2 8 16। अब हमने इसको इससे क्या किया, 9 4 8 5 6 को 2 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आया 4 7 4 2 8। ठीक है, और लास्ट में बस एक 0 ऐड कर दो। इवन नंबर में हमें क्या करना है, उस डिजिट को, नंबर को हमें 2 से डिवाइड करना है और लास्ट में एक 0 ऐड कर देना है, बस। ये कितना भी बड़ा नंबर हो आपका 5 से मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा? 64780। अब इसको भी हमें क्या करना है, 5 से इनटू करना है, तो दैट मींस इसको 2 से 80 को हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 1 रिमाइंडर बचेगा 8 से पहले, 2 9 जा 18, 0 एज इट इज आ जाएगा। अब हमने 2 से डिवाइड किया, दैट में हमारा आंसर आ गया 32390। अब बस लास्ट में एक जीरो ऐड कर दो, आप चेक कर सकते हो, ये आपका आंसर होगा। मैंने तो आपको बहुत समझाने के लिए मैंने स्लो वे में किया है, अगर आप डायरेक्ट भी आप जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको बहुत ही जल्दी कर पाओगे आप। अब नेक्स्ट देखो, ये तो था हमारे, अगर किसी भी इवन नंबर को हमें 5 से इंटू करना है तो हमें कैसे करना है। अगर हमारा क्या हो, अगर हमारा नंबर कैसा हो, ओड हो, देन व्हाट विल डू। ओड नंबर क्या होता है, अगर डिजिट के बाद में 1 3 5 7 9 9 हो तो वो हमारा ओड नंबर कहलाता है। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है 7 5 6 4 7, ये मेरा ओड नंबर है, तो इसमें भी सेम हमें क्या करना है, सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। इसको भी सेम वैसे ही करना है, 2 3 जा 6, 1 बचेगा 1, अब 2 7 जा 14, अब 15 में से 14 माइनस करोगे 1, 2 8 जा 16, 16 माइनस 16 0, नो रिमाइंडर, देन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब हमारा 1 रिमाइंडर बचता है। अब जहां पर हमारा ओड नंबर है दैट मींस 1 रिमाइंडर, 2 से हम डिवाइड करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, लास्ट में ओनली 5 ऐड कर देना है, वही आपका आंसर होगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले हम इसको 75697 इंटू 5 करना है हमें, कैसे करेंगे हम इसको भी सेम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर 5 से आगे ले राइट डाउन कर दो, 2 7 जा 14, 15 में से 14 माइनस करो 1 रिमाइंडर, 6 से पहले राइट डाउन कर दो, 2 8 जा 16, नाउ 2 4 जा 8, 9 में से 8 माइनस करो 1 रिमाइंडर, 7 से पहले लिखो 2 8 जा 16, फिर हमारा क्या रिमाइंडर बचा 1, फिर लास्ट में क्या करना है, ओनली एड 5 हियर, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, हमें 2 से करना है, 2 से सेम इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, 4 6 8 9 2 3 ये भी हमारा ओड नंबर है, देन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 हमारा रिमाइंडर 1, दैट मींस यहां पर 5 रिमाइंडर कर दो, देखो कितना जल्दी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हियर, 2 से डिवाइड करो इसको, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 9 जा 18, नेक्स्ट 1 बचा, 2 6 जा 12, नेक्स्ट 7, 2 3 जा 6, अब रिमाइंडर 1 बचा है यहाँ पर भी, तो दैट मींस 5 एंड कर, ये हमारा आंसर हो गया, नहीं ठीक है। तो इस अगर आपको मेरा ये कंसेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और मुझे सुझाव भी दें ताकि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको सेंड कर सकूं। थैंक यू।